और मैंने सोचा था कि कल हम लोग कहाँ जाएंगे, कल जयपुर जयपुर जाएंगे तो मैं वहीं का दिखाऊंगा, लेकिन क्या है ये लोग बोल रहे हैं कि दरगाह में चलते हैं, दरगाह में बैठेंगे, सभी लोग बैठते हैं वहाँ पे, रात में अच्छा लगता है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह के अंदर बैठने। तो बाहर आकर देखा तो यहाँ पे पूरा रोड वगैरह सब कुछ गीले हो रहा है, शायद यहाँ पे जोरों का पानी आया था, हम लोग तो अंदर थे, हम लोगों को पता ही नहीं चला कब पानी आकर भी चला गया। और दरगाह के पास आके देखा तो ये भैया पता नहीं क्या कर रहे थे, देखो कितनी तेज आवाज आ रही है। भाई आवाज तो बहुत तेज आ रही है, पता नहीं इनको लग रही है नहीं लग रही। मिंडी तुझे मार दो तो, अगर ऐसा है दिल मिला जाए तो। हाँ कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि ख्वाजा रही नमाज के दरबार पे देखो क्या जी कहाँ जादू, क्या पता कौन है, मुझे नहीं पता। और मैं शेफान से कह रहा हूँ कि एक बार ट्राई करें, शेफान करने के लिए राजी है। दिखाओ रोहित भाई का मुंह दिखा दे। हमारा फाइटर देख रहा है चट्टे हड्डी टूटेगी हड्डी। और हम लोग उनको देखकर तो आ गए अंदर की तरफ, लेकिन यहाँ पर पानी हो रहा है, पता नहीं हम लोग कैसे बैठ पाएंगे। और मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि ये देख एक ही बार जलता है साल भर में, देखो इस बार इसमें खाना जल रहा है, खाना बन रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि हम लोग अंदर बैठ पाएंगे ज़्यादा देर तक, क्योंकि ना हर तरफ गीला ही गीला हो रहा है, पानी आ गया था बहुत ज़ोरों से, हम लोगों को पता ही नहीं चला पानी का। हम लोग रूम के अंदर थे, खाना खा रहे थे, खाना भी हम लोगों ने वहीं पर मंगवा लिया था, हमारा दिल नहीं हुआ जाने का बाहर। यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, ये सभी लोग आकर यहाँ पर बैठ गए, शेफान और ये लोग भी यहीं पर खड़े हैं, शायद ये लोग कुछ पढ़ रहे हैं। और फिर वहाँ से होकर हम लोग इस साइड पर आ गए हैं, यहाँ पे ये लोग कुछ दिखा रहे हैं। और मुझे दिखी वही कैट जो मुझे दिन में दिखी थी, वो जा रही है वहाँ पे, इस पर मैंने हाथ भी फेरा था। और जाते जाते मुझे ये तीनों बैठे हुए दिख गए, मतलब ये दोनों पहले से बैठे थे, उमर यहाँ पे धीरे से आकर बैठ गए मुझे बिना बताए, तो अपन भी यहीं पर अब टुकड़े तोड़ेंगे, यहीं पर बैठेंगे थोड़ी सी देर आराम करेंगे। और यहाँ पर हम बैठे थे तो ये भाई बहुत अच्छी, मतलब जो भी गा रहे हैं अच्छा गा रहे हैं, सुनो आप भी। अब हम लोग जा रहे हैं वापस हमारे फ्लाइट पर, हमारे रूम पर, वहीं पर सोएंगे, क्योंकि कल हम लोगों को जल्दी निकलना है, तो सुबह से मैं सब कुछ कवर अप करूंगा। अभी हम लोगों की सुबह हो चुकी है, अब जाते हैं रेडी होने, क्योंकि जल्दी से निकलना था हमें, सुबह के 7 बज रहे हैं और भैया आ गए हैं गाड़ी लेकर, चलते हैं रेडी होने। मैं तो हो गया हूँ नहा धोकर रेडी, जल्दी से रेडी हो गया था। और यहाँ पर ये हमारे किंग जो कि खड़ा होकर कपड़े बदल रहा है, पीछे हमारा तालिब कबरू, उधर वाले टीम वालों को मैं दिखाता हूँ, उधर वाले रूम में जो जो है भी रेडी हो गए, बस उमर बाल सेट कर रहा है। और कौन बचा हुआ है? हाँ ये लोग बचे हुए हैं, कुछ नहाने गया है। और हमारा उमर आ गया है नहा धोकर, ये टी शर्ट तो इसने पहन ली है। उमर भाई कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, तैयार हुआ है, 700 रुपए का भी आया नहीं, ये जूडियो से खरीद के लाए हैं, ये लगी स्लिप इनके पीछे, देख लो वाली कितने की है, 399 MRP भाई, ये झूठ बोल रहा है, पकड़ा गया। कर दे कट वाली वीडियो। नहीं करूंगा भाई। सभी दोस्त यार निकल गए बाहर और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी वाले भैया के पास, हमने क्रूजर कर ली थी जाने के लिए, जयपुर जाना है हम लोगों को, तो देखते हैं कहाँ पर खड़ी है, उन्होंने बुलाया हमें दिल्ली गेट पर, तो पैदल पैदल हम लोग वहीं पर जा रहे हैं सबके साथ। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली गेट पर, भैया आ रहे हैं, अभी तक भैया आए नहीं है, भैया कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास, भैया ने चोट करी है थोड़ी सी, अब देखते हैं भैया कितनी देर में आते हैं। फाइनली हम लोगों की गाड़ी आ गई, क्या कर रहे हैं भैया, भरेंगे क्या? सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ गए, तोहित भाई का इंतजार कर रहा है, वो कुछ लेने के लिए चले गए थे, उनको प्यास लग रही थी, तो अब चलते हैं। सफर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जितना जितना हो सकेगा उतना कवर अप करूंगा मैं। लोगों का सफर चालू हो गया, ये रहे हमारे भैया जो कि ड्राइवर है, इनकी गाड़ी है, और हम लोग निकल गए हैं जयपुर की तरफ। पहाड़ों का व्यू देखो आप, कितना शानदार लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बादल और धुएं, मतलब बादल पहाड़ों के ऊपर ही है। पूरी अजमेर सिटी है जहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, हम लोग दूसरी बार आए इसीलिए आए क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पीछे मेरे दोस्त यार बैठे हुए हैं। और अजमेर से जयपुर का रास्ता 3 घंटे का है। और भैया कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं भैया? कह रहा हूँ घूमने में सब जयपुर चले गए अपन, पूरा घूमो ना फिर, सही ड्राइव करते बोले भैया, जब तक खुला जब तक घूमो, ये कह रहे हैं जब तक खुला जब तक घूमो, आए हो पैसा खर्चा किया है तो भैया अच्छे से घूमो, ठीक है हम लोग भी अच्छे से घूमने के लिए आए, अच्छे से एंजॉय करने के लिए आए। ये कह रहे हैं कि रास्ते में कहीं पर भी रुको, कुछ खाओ तो पहले ही पूछ लेना उसका प्राइस, नहीं तो क्या होता है कि आप लोग पहले ले लोगे, खा लोगे, पी लोगे, चाय वगैरह पी लोगे, तो उसके बाद वो लोग प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ भी नोटिस करने वाली है कि आओ तो भैया पहले पैसे पूछ लो कि हाँ ये इतनी की है, उसके बाद ही खाओ। के उमर भाई को थोड़ी घबराहट हो रही थी, ये थोड़ी ऐसी तेजी हो गई थी इनकी, तो मैंने आगे बुला लिया कि आगे बैठ जा मेरे साथ।
आगे बाल बिखड़ गया अदनान देख मेरे यहाँ कैसे ग्लाइंडर से एकदम हरकत की नींद में से उठा दिया और रोहित भाई का देखो इसने क्लिक किया वापस लौट कर जा रहा है क्योंकि हम लोग पानी पीने के लिए उतरे थे और फोन उमर वहीं पर खुल कर आ गए भैया की दुकान पर और कॉल करने पर वो फोन काट रहा है फोन उठा नहीं रहा ना अटेंड कर रहा है ना कुछ कर रहा है हम लोग वापस जा रहे हैं बहुत स्पीड में भैया उमर का महंगा फोन है यार भैया ने फाइनली हमारा फोन दे दिया भैया बहुत ईमानदार थे पहले भी कट कर रहे थे लेकिन भैया ने हमारा फोन दे दिया थैंक यू भैया थैंक यू भैया बहुत अच्छे थे उन्होंने फोन दे दिया उमर का आप कुछ कहना चाहेंगे मैं कुछ कहना चाहूँगा मेरा मोबाइल घूम गया था और मैंने दुआ पढ़ना चालू करी तो अल्लाह का शुक्र है दुआ मोबाइल निकला मेरा ठीक है भाई भैया बहुत अच्छे थे उन्होंने मोबाइल रख दिया तो आप लोग भी ध्यान रखें भैया ऐसी चीज़ें ना भूलें लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं इधर के ईमानदारी से उन्होंने फ़ोन वापस कर दिया हमारा शायद उनका अटेंड नहीं हो पा रहा था या आवाज़ नहीं आ रही थी इस वजह से वो कट कर रहे थे उठाकर वापस हम लोग रुक गए टोल पर ये टोल है या पता नहीं क्या है बहुत लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पे हमारी एसी देखिए और ये हमारे तालिब कबरू सेठ कुछ कहना चाहिए आप हम लोग रात भर से नहीं सोए वो सब पछता रहे हैं कि हम क्यों नहीं सोए पीछे वाली सीट पे जो हमारे रोहित भाई कैसे पड़े हुए ये मुल्लू फिर 15 मिनट के बाद थोड़ी सी देर के लिए ट्रैफिक खुला है पता नहीं थोड़ी सी देर के लिए खुला है अब खुल गया है लेकिन 15 मिनट लग रहा है लग गए हमें यहाँ पर खड़े खड़े इस ट्रैफिक के अंदर फंसे फंसे हमें कम से कम एक घंटे ही होने वाला है हमारी एसी तेजी हो गई है गर्मी के अंदर में हम लोगों ने स्टॉप लिया यहाँ पर चाय वगैरह पीने के लिए पर इन लोगों ने मंगा लिए आलू पराठा दही के साथ आया है दही इसमें पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है और अभी हम लोगों ने पता नहीं उमर ने क्या बनाया था मंगाया था मेरे लिए यहाँ पर मेरे पे छोले भटूरे आ गए ये लोग बैठकर खा रहे हैं भांजे को देखो आप कैसे खा रहा है इसके घर पर आया है खाने बहुत गंभीर समस्या वाली बात चल रही है वहाँ पे लफड़ा हो गया भाई पीकर हम लोग वापस निकल गए जयपुर की तरफ और अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं जयपुर जिसे पिंक सिटी कहा जाता है अब देखते हैं कौन से स्पॉट पर जाएंगे घूमने फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे देखो कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पे हम लोग कोई से ये फॉल्ट पर आए हैं यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है तो चलते हैं अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ मैं और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।